बंगाल में सियासी समर अपने चरम पर है। सियासी सरगर्मियां और तेज करने के लिए बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर बंगाल जा रहे हैं। इसी हफ्ते बंगाल में पीएम मोदी की 3 रैलियां होंगी। 18, 21 और 24 मार्च को पीएम मोदी की रैलियां होंगी। टीएमसी सांसद शिशिर अधिकारी पीएम की रैली के दौरान बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। 24 मार्च को कांथी में पीएम मोदी की रैली होनी है। शिशिर अधिकारी ने रविवार को कहा कि यदि उन्हें आमंत्रित किया जाता है तो वो 20 मार्च को कांथी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा में शामिल होंगे। बता दें कि शिशिर अधिकारी सुवेंदु अधिकारी के पिता हैं। उधर मुंबई में एंटीलिया के सामने विस्फोटक रखने के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। मुंबई पुलिस के ऑफिसर सचिन वाजे सस्पेंड कर दिए गए हैं। शनिवार रात एनआईए की गिरफ्तारी में आए वाजे से कड़ी पूछताछ की गई। वहीं सूत्रों के हवाले से सामने आ रहा है कि वाजे ही वो शख्स थे जो पीपीई किट पहनकर एंटीलिया के सामने नजर आए थे। यह भी बताया जा रहा है कि एनआईए उन्हें पीपीई किट पहनाकर क्राइम सीन रिक्रिएट करेगी। बहरहाल जांच एजेंसी अपनी ओर से जांच में लगी हुई है और हर बार जांच के साथ तमाम नए पहलू सामने आ रहे हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।